हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते एक बार फिर से। विज्ञान क्लास 10th के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का मिक्स करके ये वीडियो बनाया जा रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। जैसा कि आपको पता है कल एग्जाम है 20 फरवरी को 2018 एग्जाम हो रहा है, तो उसके सिलसिले में मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ क्लास 10th के लिए। तो 10th वाले भी ध्यान से समझ लिया वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आने के करीब 80% उम्मीद है। मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, आप अच्छे से उसको तैयारी कर लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इन दोनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन दोनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं। बात करें अगले की, अपवर्तनांक एन तथा क्रांति कोण सी में संबंध लिखिए, तो ये संबंध मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको तैयार करने है अपने क्वेश्चन बैंक से। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसको भी तैयार कर लेने हैं। ये जो लेंस के क्वेश्चन है, इन लेंस के क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन आते हैं, या तो न्यूमेरिकल या तो थ्योरी, तो थ्योरी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिखा दिया है जो इम्पोर्टेंट आने के चांस होते हैं। अगला है, निकट दृष्टि दोष क्या है, या दूर दृष्टि दोष को निवारण करने का उपाय बताइए। तो ये जो दूर दृष्टि को दोष या निकट दृष्टि दोष का क्वेश्चन आता है, उसमें से कोई एक ही आने का उम्मीद होता है। या 8 नंबर की बात करें, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो या तो निकट दृष्टि दोष का है या तो दूर दृष्टि दोष का है, लेकिन निवारण के लिए एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी व संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंसों में अंतर लिखिए, तो आपको अंतर लिखना पड़ेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा क्या है, इसके कौन कौन से स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन परिपथ आरेख बनाइए। तो ओम का नियम का आपको निगमन करना है, सत्यापन करना है, यहाँ पे वो आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सामर्थ्य शक्ति से आप क्या तात्पर्य है, या क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं दोनों हाथ को आपको तैयार करना है, बाएं अधिक पूछता है इसलिए मैंने बाएं पे यहाँ पे क्लिक किया है। बाएं हाथ का नियम लिखिए तथा सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो सेवर्ट का नियम द्वारा किसी धारावाहिक चालक में अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो ये निगमन वाला क्वेश्चन है बायो सेवर्ट के लिए, तो इसको भी आपको एक बार तैयार कर लेना है। या बायो सेवर्ट का या ओम का नियम, दोनों में से कोई एक आता है, तो आपको दोनों में से किसी एक को तैयार कर लेना है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है फिजिक्स के, अब बताते हैं केमिस्ट्री के वो कौन से क्वेश्चन है जो आने के उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 1, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण में क्या संबंध है। सेकेंड क्वेश्चन, लवण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो लवण जितने प्रकार के होते हैं आपको सबको देना पड़ेगा, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, लवण जितने प्रकार के होते हैं सबको आपको उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट, सूचक क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। अम्ल क्षार सूचकों के रंग परिवर्तन की व्याख्या ओस्टवाल्ड सिद्धांत के आधार पर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक का क्या अर्थ है, विरंजक चूर्ण बनाने में होने वाली रासायनिक समीकरण दीजिए, तो ये इसमें केवल समीकरण देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र बनाने की विधि लिखिए, तो ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे यहाँ पे लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु तथा अधातु में अंतर लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और गालक तथा धातुमल, जैसा कि ये क्लास 12 में भी आता है और 10th में भी आता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। गालक तथा धातुमल, निस्तापन, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रगलन क्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो प्रगलन, निस्तापन या धातुमल, इस प्रकार से जितने क्वेश्चन है उसमें से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए या परावर्तनी भट्टी का, इन दोनों में से कोई एक बनाने के लिए आता है। नेक्स्ट, मेथेन गैस को बनाने की विधि या अमोनिया गैस बनाने की विधि, इन दोनों की बनाने की विधि पूछता है, तो उसमें सचित्र वर्णन आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट, मेंडेलीव की आवर्त सारणी क्या है, तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन जो मैंने बताया है ये केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चन हैं।
अब बात करते हैं बायो के लिए, तो बायो का मैं अब बता देता हूँ बायो के लिए क्या वो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर में कौन कौन उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर टू, मनुष्य के आहार नाल पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मनुष्य के आहार नाल में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है कि किस प्रकार से चित्र उसका बनाते हैं। तीसरा, मानव के हृदय संरचना तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मानव के हृदय का आपको देख लेना है कैसे बनाया जाता है। पोषण का क्या तात्पर्य है, इसको तैयार करना है। नेक्स्ट, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा सबसे अधिक अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है या धमनी व सिरा में, इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, तो आपको दोनों को तैयार कर लेना है, शायद कोई भी आ सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन। हार्मोन्स या एंजाइम में अंतर लिखिए। तो ये अंतर के जितने क्वेश्चन आते हैं आपको अंतर वाले तैयार कर लेने हैं, अंतर के बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा निवारण दोनों पूछ सकता है।